हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू गरिमाज रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ फिश टिक्का की रेसिपी। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बिल्कुल मार्केट स्टाइल होने वाला है और आपको बहुत पसंद आएगा। आप इसका टेक्सचर देखिए, कितना गजब का लग रहा है ये। और मैं आपको इसे थोड़ा सा तोड़ के भी दिखाती हूँ, तो देखिए कैसा बना है। और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है ये अंदर से, और ऊपर से क्रिस्पी है ये। बहुत टेस्टी लग रहा है ये, तो आप इसे ज़रूर बना के खाइएगा। और चलिए हम इसकी रेसिपी बनाते हैं। पर दोस्तों, इससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग फ़िश टिक्का बनाना शुरू करते हैं। फ़िश टिक्का बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो फ़िश ले ली है और उसे अच्छे से 2-3 बार पानी से धो लिया है, बिल्कुल क्लीन कर लिया है। अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें 1/2 कप दही डाल रही हूँ। तो ये मैंने हंग कर लिया है, जो दही हम टांग देते और पानी निकाल देते हैं ये वही दही है। तो हमें थिक योगर्ट लेना है, तो मैंने दही इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद हम बाकी के मसाले ऐड करेंगे इसमें। तो मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मैं 1.5 से 2 चम्मच डालने वाली हूँ। तो ये मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और ये 1/2 चम्मच और डाल दिया है। अब मैं इसमें नमक डाल दूंगी, तो मैंने 1 चम्मच नमक डाला है। नमक आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं। मैंने लाल मिर्च पाउडर भी 1 चम्मच डाली है और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर दी है और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है। साथ ही में मैंने ये तंदूरी टिक्का मसाला लिया है, वो भी डाल दिया है। और यहाँ पे मैं 4 चम्मच ऑयल डाल रही हूँ इसमें, तो मैंने ऑयल भी ऐड कर दिया है। और साथ ही में मैंने 1/2 चम्मच चाट मसाला डाला है इसमें और थोड़ा सा धनिया पुदीने का पाउडर डाल दिया है, जिससे टेस्टी बहुत लगेगी हमारी फ़िश। तो अब मैंने सारे मसाले इसमें ऐड कर दिया है, तो मैं इसको अच्छे से मैरिनेट कर देती हूँ। तो मैं इसे पहले चम्मच से मिक्स करने की कोशिश करती हूँ, और अगर आप चाहें तो इसे हाथ से भी कर सकते हैं। तो मैं इसे अच्छे से पहले चलाते हुए मैरिनेट कर लेती हूँ, और पूरी फ़िश में अच्छे से मसाला लग जाना चाहिए, ताकि मसाला अंदर तक जाएगा तो फ़िश बहुत टेस्टी लगेगी। तो मैं मैरिनेट कर लेती हूँ इसे। ये देखिए दोस्तों, मैंने अच्छे से इसे मैरिनेट कर लिया है, और अब हमें इसे ढक के 1/2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है और इसे अच्छे से मैरिनेट होने देना है। आप चाहे तो थोड़ी देर और भी रख सकते हैं, पर इसे ज़्यादा देर मैरिनेट नहीं करना है चिकन की तरह। तो ये देखिए दोस्तों, 1/2 घंटा हो चुका है और मैं इसे निकाल देती हूँ अब। ये देखिए, फ़िश बहुत अच्छे से मैरिनेट हुई है, सारे मसाले फ़िश पर अच्छे से कोट हो गया है। अब हमें इसे सूजी में कोट करना है, जिसे हम रवा भी कहते हैं। तो ये मैंने 1 प्लेट में रवा ले लिया है और फ़िश को इस तरीके से उठा के हमें सूजी में चारों तरफ लपेट देना है, जिससे हमारी जो फ़िश टिक्का है बहुत क्रिस्पी बनेगी। आप चाहे तो डायरेक्ट भी रख सकते हैं, पर वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनता है, तो इसलिए मैं इसे सूजी में लपेट रही हूँ। और इसे रैक पर हम रख देंगे। थोड़े पीसेस को सूजी में लपेट कर इस पे सेट कर देती हूँ। 4 से 5 पीस ही हमें एक बार में लेने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेने हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसमें 5 से 6 पीसेस रख दिए हैं, और अब हमें इसे माइक्रोवेव में ग्रिल मोड पर पकाना है। मेरे माइक्रोवेव में ऑलरेडी सेटिंग दी हुई है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग पकाऊंगी। और अगर आपके माइक्रोवेव में नहीं है तो आप इसे नॉर्मल कॉम्बी प्लस ग्रिल पर 7 से 8 मिनट के लिए ग्रिल करें, और उसके बाद नॉर्मल ग्रिल मोड पर इसे 5 मिनट के लिए और ग्रिल कर लें। तो ये बहुत अच्छे से कुक हो जाएगी, और इसे एक बार बीच में पलट भी देना। तो मैंने यहाँ पर माइक्रोवेव में रख दिया है, और ये तंदूरी पर मैं इसे ग्रिल करने वाली हूँ, जो कि मेरे ऑलरेडी सेटिंग दी हुई है। तो मैं पहले इसे सेटिंग पर लगा देती हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसको सेट कर लिया है, और अब मैं इसे स्टार्ट कर देती हूँ, और ये ग्रिल होना शुरू हो गई है। तो मैं इसे बीप बजने के बाद एक बार पलटूंगी। तो ये देखिए, एक बार बीप हो चुकी है, और अब मैं इसे ऑयल लगाकर इसे पलट दूंगी, और फिर से इसे हमें बेक करना है। तो मैं इसे रख देती हूँ। ये देखिए, मैंने इसे पलट दिया है, बहुत अच्छी बनी है ये, थोड़ी थोड़ी चिपक रही है। तो मैंने सारी को पलट दिया है और इस पर ऑयल भी लगा दिया है। अब हमें इसे फिर से ग्रिल करना है, तो मैं अपने माइक्रोवेव सेटिंग पर इसे ग्रिल कर लेती हूँ।
मैंने इसे फिर से अंदर रख दिया है और 5 मिनट बाद मैं इसे ओपन करके आपको दिखाऊंगी कि कैसा बना है हमारा फिश टिक्का रेसिपी। तो ये लीजिए दोस्तों, मेरी फ़िश टिक्का की रेसिपी रेडी है बनकर और बहुत मज़ेदार लग रही है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल जैसी रेस्टोरेंट या होटल में हम लोग खाते हैं उसी तरीके लग रही है। और बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी है ये और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी है, बहुत टेंडर है ये और बहुत अच्छे से बेक हो गई है ये। तो दोस्तों आपको ये रेसिपी कैसी लगी है आप ज़रूर इसे बताइएगा। मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कैसी बनी है। ये देखिए अंदर से बहुत सॉफ्ट और बाहर से बहुत क्रिस्पी है और मैंने ये रोहू फ़िश ली है, आपको ज़रूर ये पसंद आएगी रेसिपी। और दोस्तों इसके अलावा मैंने फ़िश करी भी डाली है जो कि मैंने ग्रीन फिश करी बनाई थी, तो आपको अगर उसकी रेसिपी चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। साथ ही मैं सारे इन्ग्रीडियंट्स की क्वान्टिटी में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी कि हमने कितना कितना लिया है। तो दोस्तों आपको ये रेसिपी कैसी लगी और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं कि आपको कैसी लगी है और अगर आपने बनाई है तो कैसी बनी है। साथ ही में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय।